इंडिया का जीत माता में बदल गया, हर्षल पटेल का मौत तय, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिना समय लेते हो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आगे हम आपको बताते चले जो कि कल का मुकाबला आप सबने देखा ही होगा, जो कि 192 रन जो कि टीम इंडिया मारा था। और दोस्तों वहीं पर जो कि वेस्ट इंडीज हार चुका है। और दोस्तों चौथा T20 मैच जो कि टीम इंडिया जीत गया, लेकिन दोस्तों वहीं पर जीतने के बाद जो कि टीम इंडिया के माता में बदल गया है। और आगे हम आपको बताते चले वहीं पर जो कि हर्षल पटेल का मौत तय हो गया है, और हर्षल पटेल जो कि एशिया कप में नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे और वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको गंभीर चोटिल हो गए हैं। और दोस्तों इसी की वजह से जो कि एशिया कप में नहीं खेलते हुए आएंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो कि टीम इंडिया के लिए जो कि माता में बदल गया क्रिकेट जगत में। और दोस्तों वहीं पर जो कि आगे हम आपको बता दें जो कि हर्षल पटेल अब नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे वर्ल्ड कप और एशिया कप में। दोस्तों एशिया कप 27 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, और उसमें जो कि हर्षल पटेल नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि दोस्तों हर्षल पटेल काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटिल हो चुके हैं। और दोस्तों इनका हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मौत भी तय हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक खबर तहलका मचा के रख दिया हर्षल पटेल को लेकर। और दोस्तों टीम इंडिया के लिए माता में बदल गया है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद टीम इंडिया को लेकर, कमेंट बॉक्स में प्यारी से जुड़ा भेज सकते हैं।